गायस ट्रिन फ्लेम्स अपडेट बता देती हूँ ये उनके लिए जिनकी फाइड यूनियन हो चुकी है मास्टरिंग्स uh, की ईगो डेथ हुई है uh, और uh, क्योंकि आपके एक uh, सिलिस्टियल बीइंग हो आप एक मल्टीडाइमेंशनल uh, बीइंग बन चुके हो तो ऑब्वियसली आप, आप आप क्या हयर सेल्फ uh, से आप ऑपरेट uh, करोगे और जो कि लव एनर्जी है जो कि कामनेस पीस हम्बलनेस है आप उसी हायर फ्रीक्वेंसी में ही रहना है आपको आ, वही रहोगे और चीज़ों को अलग वे में आपकी बार देखोगे अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे अलग आ, वे में चीज़ों को हैंडल करोगे अब आपको लोगों को देखकर पता चल जाएगा कि वो कितने अनहील्ड हैं और या हील्ड हैं या फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी में हैं या लो फ्रीक्वेंसी में हैं तो ये आप इजीली देख पाओगे प्लेंस। आ, आप आपका इनर वर्क जो है वो आउटर बिहेवियर में दिखेगा आ, जो कि अच्छी बात है ये एक यूनिवर्स की तरफ से जो उन्होंने आपको इस जर्नी में जो नॉलेज दिया था उसे आप काम पे लगाना है और उससे अब उस इनर वर्क को अब आउटर बिहेवियर में आपको लगाना है काम पर एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है अब दूसरा आपका न्यू जर्नी न्यू बिगनिंग शुरू हो गया है इस पे आप एक न्यू वर्जन बन के निकलोगे आप चीज़ों को अब अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे अलग एंगल से देखोगे आप चीज़ों को आप डीपली समझ पाओगे कि कौन हील्ड है कौन अन है कौन लो वाइब्रेशन में है कौन हाई वाइब्रेशन में है हाई फ्रिक्वेंसी में ये आप समझ पाओगे Uh, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई है आप मल्टी डायमेंशनल बींग हो और आपका फ्रीक्वेंसी हाई किया गया है तो ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे आप एक पर्सन भी नेगेटिव एनर्जी uh, 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 नहीं ले पाओगे अपने अंदर झेल नहीं पाओगे मतलब टॉलरेट नहीं कर पाओगे uh, कई बार uh, ये जो लो वाइब्रे लो फ्रीक्वेंसी जब आपके सामने आता है तो आप पहचान लोगे कि ये लो फ्रीक्वेंसी है लो वाइब्रेशन है uh, आप जल्दी से कॉन्शियसनेस में क्योंकि कॉन्शियसनेस में हो तो आप जल्दी से पच पहचान लोगे कि ये बंदा या बंदी अनहील्ड है बहुत ज्यादा क्योंकि आपको इस जर्नी में यही सिखाया गया है तो देख लीजिए और अगर आप उनको हीलिंग की जरूरत हो तो हीलिंग करिए वरना आप अपना एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाउंड्री सेट कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट विदाउट एनी रीजन तो ये आपका आपके लिए था जिनकी जिनकी फाइट यूनियन हो चुकी है अब उनको मैं बता दूँ जिनकी स्पिरिचुअल uh, रिबर्थ so, uh, हुई जो इस जर्नी में अभी न्यू आए हैं uh, उनको मैं आज बताती हूँ कि आपके दो वर्जन होते हैं हीलिंग uh, से पहले हीलिंग के बाद आप एक ही बन जाते हो होर सेल्फ उससे पहले आपका दो वर्जन होता है एक तो इस थ्री में क्योंकि आप जन्म लेते हो तो ऑब्वियसली यहाँ की कुछ चीज़ें आपके अंदर होते हैं uh, जो जिसे बोलते हैं ईगो सेल्फ एक होता है आपका हायर सेल्फ कई बार आप बचपन से देखोगे कभी आपका ईगो सेल्फ रूल करता है आपको आपका कभी हायर सेल्फ रूल कर रहा होता है तो आपको भी नहीं पता आप इस जर्नी में आप दो डायमेंशन में जी रहे होते हो कई बार इसीलिए आपको भी लगता है कि आप दो वर्ल्ड में बचपन में भी आप कई बार खोए खोए से रहते होंगे या अकेले रहते होंगे अकेले स्पेंड किया होगा काफ़ी टाइम आपने अकेले में रहना आपको पसंद होगा क्योंकि आप एक अलग बीइंग हो अलग वो अलग सोल हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे यहाँ की चीज़ें आपको समझ नहीं आती यहाँ की जो थ्री चीज़ें हैं मैरिज जैसी चीज़ें या फिर एंगर जैसी नेगेटिव चीज़ें आपको समझ नहीं आती समझने में काफ़ी टाइम लगता है आपको ये चीज़ें और सब कॉन्शियस माइंड में वो क्योंकि बैठ जाता है तो आप भी कई बार उसी बिहेवियर में आ जाते हो तो आप बहुत ही अनहील्ड हो जाते हो उसके बाद आपको हीलिंग इसलिए दिया जाता है ताकि आप दूसरों को हील कर सकें दूसरों को भी हाई फ्रीक्वेंसी में लेकर आ सकें क्योंकि अब आप आ, आपका अंदर ईगो है ये बात आपको समझना होगा लेकिन क्योंकि ये सबसे पहले स्टेप है हील होने का पहला स्टेप यही है कि आपको समझना होगा कि आपके अंदर एक ईगो सेल्फ था तभी आप अपने आपको हील कर पाओगे आपका ईगो सेल्फ ये है कि बहुत ही लो वाइब्रेशन है वो जैसे कि कोई आपको प्यार भी दे रहा है लेकिन आपका ईगो सेल्फ उसको सब नहीं करेगा उस प्यार को उसको वो ईगो सोच लेगा कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है या फिर मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे सिंपत्ति मिल रहा है या फिर मैं गुड इनफ नहीं हूँ या फिर मैं बहुत ही अच्छा हूँ बहुत ही पावरफुल हूँ या फिर उनको ये लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करूँगा हर्ट करूँगा तो मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं उनको कंट्रोल में कर सकता हूँ या फिर मैं डोमिनेट कर सकता हूँ किसी को या मैनिपुलेट कर सकता हूँ तो इस तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ईगो सेल्फ होती हैं आपको भी नहीं पता आप ये कर रहे होते हो आप इसीलिए कई बार आप लव को लव की तरह रिसीव नहीं कर पाते हो उसके उसको अलग अलग नाम दे देते हो लव को लस्ट का नाम देते हो या सेक्स का नाम देते हो लव को आप डोमिनेशन का नाम देते हो मैनिपुलेशन का नाम दे देते हो या फिर आप आ, ये सभी इंसानों में सिर्फ आप में नहीं है ये सब में है लेकिन सब लोग नहीं जान पाते हैं कि वो कितने अनहील्ड हैं इसीलिए वो लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं आ, हम इस लव को एंगर भी समझ लेते हैं ट्रिक भी समझते हैं ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ट्रिक कर रहा होता है बाहर का जो इंसान है बाहर का कोई ट्रिक नहीं कर रहा होता है आ, लेकिन आपके अंदर क्योंकि साइकिक रीडिंग एबिलिटी होती है बचपन से ही होती है आपके अंदर ये साइकिक रीडिंग एबिलिटी आपको भी नहीं पता आप लोगों को देखते ही उनका चीज़ें अब्जॉर्व कर लेते हो और पता चल जाता है कि आपको क्या कर रहे हैं क्या फील कर रहे हैं इनर्जी रीडर भी होते हो और बचपन से आप नेगेटिव एनर्जी के आ, से ऑपरेट नहीं करते हो यूजुअली आप हायर सेल्फ से ही करते हो फ्रीक्वेंटली बहुत ही कम टाइम पे आप आ, लो फ्रीक्वेंसी में जाते हो या एंगर के इसमें जाते हो लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ही हाई होता है आप दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हो बींग हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत ही हाई पावर्स होते हैं तो एंगर भी बहुत हाई लेवल में होता है आपका तो ये आपको भी नहीं पता कि क्यों इतना एक्सट्रीम में जाता है प्यार भी आता है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और हेट भी इतना ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है या फिर जीरो या फिर हंड्रेड इसी वाइब्रेशन में आप रहते हो फ्रीक्वेंसी में क्योंकि आपको समझ नहीं आता ये थ्री डी यहाँ की रियलिटी यहाँ की चीज़ें अलग होती हैं हाई डायमेंशन के अलग होते हैं तो यहाँ पर आप आकर बैलेंस नहीं कर पाते हो चीज़ों को कई बार तो ये जब आप ऐसे लो फ्रीक्वेंसी में जाते हो ईगो सेल्फ में आते हो तो आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लग जा लगने लग जाती हैं जो पॉजिटिव है उसको भी आप ठीक से देख नहीं पाते हो कि कहाँ पे आपको झुकना है और कहाँ पे खड़े होना है गलत जगह पे कर देते हो जैसे रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं जैसे कि आप कोई प्यार कर रहा है तो आपको प्यार नहीं आएगा लेकिन कोई गुस्से में चला गया तब उस आपको उस पर प्यार आएगा तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है ये रिवर्स दिमाग काम कर रहा है रिवर्स नहीं काम करना चाहिए जब कोई लव फ्रीक्वेंसी में है तो आपको भी लव में जाना है जब कोई लो फ्रीक्वेंसी में जा रहा है एंगर में जा रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो लॉन्ग फ्रीक्वेंसी है वो उसका कर्मा है आप एक और बात को समझ लें लोगों को यूजुअली लगता है कि जब ईगो में होते हैं हम चिल्लाते हैं बहुत ही दूसरों को डोमिनेट कर लेते हैं या फिर हम आर्ग्यू करते हैं और अपने पॉइंट्स को सामने रख देते हैं तो मतलब हम पावरफुल हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी में गलत है ये जो बंदा साइलेंट है जो बंदा सामने साइलेंसली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज़ वो बंदा जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी में है और जो आर्ग्यू करता है और जो ईगो में है जो अपनी पावर को बता के वो जीतना चाहता है वो डोमिनेट करना चाहता है वो अपना बात मनवाना चाहता है दूसरों को रूल करना चाहता है वो लो है वो उसका कर्मा है वो बिल्कुल भी लो फ्रीक्वेंसी है तो आप जब किसी को देखते हो और साइकिक रीडिंग करते हो तो उनके अंदर बाहर जो अगर वो पा, बंदा बाहर से पोलाइट है आपसे अम्बल है तो आप उसको वैसा ही ऑब्जर्व कर लें आप उसकी माइंड रीड ना करें क्योंकि माइंड में अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो आप भी लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो वो उनका प्रॉब्लम है उनका कर्मा है उनकी लो फ्रीक्वेंसी है उनको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप उनको हीलिंग सेंड करें और अपने काम पे लग जाएं उनकी माइंड में क्या चल रहा है वो आपका काम नहीं है देखना आप सिर्फ लोगों को जैसे हैं वैसा ही एक्सेप्ट करें चीज़ों को वैसा ही देखें जैसा है उसका कुछ और मीनिंग ना निकालें जैसे लव है तो उस लव भी है लस्ट भी है सेक्स भी है इस दुनिया में लेकिन आप लव को अगर लव की तरह ही देखेंगे क्योंकि हम अपने अपने, अपने, अपने चीजें जज करने की जरूरत नहीं हर चीज़ को अ, हम मोस्टली उसी चीज़ को जज कर रहे होते हैं जो हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं तो मोस्टली जज ना करें अ, अगर लव है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है अनकंडीशनल है सेक्रेट रिलेशनशिप है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें ट्रस्ट uh, के साथ um, वो हाई फ्रीक्वेंसी है सेक्स जो है वो uh, वो रिप्रोडक्शन है वो एक नेचुरल चीज़ है वो एनिमल्स बर्ड्स सभी लोग करते हैं डिवाइन ने इसीलिए बनाया है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके और जो लस्ट है वो लो फ्रीक्वेंसी है वो कर्मा है जो अगर आपके साथ आपके पास लव के साथ आ रहा है तो वो आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे दे, देंगे अगर कोई लस्ट के साथ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका कर्मा है उसकी लो फ्रीक्वेंसी है आपको वरी करने की जरूरत नहीं है आपको जज करने की जरूरत नहीं है कि वो किस फ्रीक्वेंसी में है आपको सिर्फ अपने फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है आप सिर्फ लव एनर्जी में रहें क्योंकि सेक्स जो है लस्ट जो है लस्ट जो है वो एक तरह का जैसे अब, अब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप सैक्रेड रखेंगे किसी के भी साथ तो ही अच्छा है अगर आप सबके साथ करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपनी मैस्किलिंग के साथ ही करें किसी और के साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप में जब आते हो तो उनका एनर्जी एक्सचेंज होता है हमेशा सेक्स में क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज होते हैं तो आप उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी न सारे अनहील्ड चीजें अपने अंदर ले लोगे तो ये सेक्स को प्योर रखें सिर्फ अपने ट्विन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाए और किसी के साथ ना जाए और बाकी लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूंगी बाहर जो थ्री में यूजली हैं सबके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है कई बार आप उनके चाइल्ड ट्रामाज उनकी हीलिंग अनिल चीजें अपने अंदर ले लेते ले हो तो हमेशा सेक्स को एक प्योर रखें उसको एक रिप्रोडक्शन की तरह देखें लस्ट को बिल्कुल हटा दें लस्ट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है वो कर्मा है सिर्फ लव में रहें अनकंडीशनल हाई फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल प्योर होती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और इसी तरह मनी के लिए भी है सेक्स के लिए जिस तरह से है लव लस्ट उसी तरह से मनी के लिए भी है मनी जो है वो नीड जितनी नीड हो उतना ही होना चाहिए चीज़े. बाकी चीज़ें हम चैरिटी में यूज़ कर सकते हैं वो एक टूल की तरह यूज़ करें अच्छे काम पे लगाएं अगर उसको हम रेस की तरह कंपटीशन की तरह किसी के साथ आ, देखते हैं किसी के साथ अर्न करने के लिए कि वो बिजनेस में हाई है मुझे भी हाई होना है तो वो डिज़ायर है कर्मा है वो लो फ्रिक्वेंसी है अगर हम उसको पावर बना लें और किसी को डोमिनेट करने के लिए तो वो एक एडिक्शन है वो एक बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी है तो मनी और सेक्स जो है ये थ्री डी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है तो मैंने इस दो पॉइंट्स के बारे में बात की है ओके गाइज होप आपको समझ आई होगी बाय, टेक केयर